दो साल में दुनिया भर में कोरोना से 50 लाख लोगों की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, ब्राजील में ही 25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, सबसे ज्यादा अमेरिका में करीब 7,40,000 की मौत। सीधे बिग बॉल पर आइए, मृतकों के आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने जुटाए हैं। सीधे प्ले ऑन करें ये इस वक्त की बड़ी खबर। दुनिया की सबसे बड़ी मौत की फैक्ट्री कोरोना। एब्सोल्युटली राइट, कोरोना से दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 50 लाख के पार, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों में आधे यूएस, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और ब्राजील के लोग हैं। नेक्स्ट, 1950 से लेकर अब तक हुए युद्ध में करीब इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी, ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है। दुनिया भर में हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज के बाद मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बना कोरोना, और वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ी तो पाकिस्तान में कोरोना की पांचवी लहर की आशंका है। मैं जाऊंगा राहुल इस ग्राफिक्स के साथ, सीधे चले मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं करोल बाग से। सुमन मेरे साथ है, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं, भारत का हाल यहां पर है करोल बाग से। धनतेरस पर क्या हाल है बताइए जरा। निशान देखिए, इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शाम ढलने को है, बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। धनतेरस का मौका है, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है वो ये कि ज़्यादातर लोग आपको यहाँ बिना मास्क के दिखेंगे। ये बहुत हैरानी की बात है, चूँकि हाल के दिनों में जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, उसके बाद जिस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में।